बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज आप जो भी प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, उस समस्त कार्यों में आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी और उससे आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं, इसके लिए अच्छा समय चल रहा है। जब गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं या कुछ इस तरह की मूड में हैं कि कुछ नया कार्य करेंगे, उस दृष्टिकोण से आपका यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। धन पत्नी का सहयोग मिलेगा, भाग्य से आज आपके सारे कार्य अच्छे होंगे, संतान से भी लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपका चंद्रमा आय भाव में कुंभ राशि पर आ गया। तो जब कुंभ राशि पर चंद्रमा आने से आज आपको एक चौतरफा लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, संततियों की प्रगति से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। जब बहुत दिन से आपका व्यापार रुका हुआ नहीं हो रहा है तो उसमें प्रगति की संभावनाएं बन रही हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो केतु मंगल आपके दशम भाव में है, तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन समय, संतान से अच्छा रहेगा और रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, कटु भाषा बोलने से परहेज करना है। आपकी वाणी चूंकि इतनी कड़वा होती है कि कोई व्यक्ति आपकी बात से दुखी हो जाता है, तो कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें और आलस्य का परित्याग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, केसर का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगावें, लाल वस्त्र अगर दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग लाल है, लक मीटर 6 है। हरे कृष्ण।